क्या कहो, कुछ कहो। इससे पहले सबसे पहले एक जोरदार ताली बजा दीजिए अपने। आप सबके बहुत प्रतीक्षित, आप सबके चहेते, आपके दिल में रहने वाले पल पल जिनकी आवाज आपके दिलों को झकझोरा करती है, वे कलाकार भोजपुरी संगीत जगत में मील के पत्थर साबित हुए। आपके बीच का वो कलाकार जिसे प्यार से आप सब खेसारी लाल यादव कहते हैं, आपके बीच है। और जब इनकी आवाज खनकेगी, इनकी आवाज गूंजेगी, यकीनन आप सब संगीत का था सागर में गोता लगाइएगा। तो जब खेसारी लाल यादव इस मंच पर आ गए हैं, आप सबकी उपस्थिति में ये आपके बीच है, तब मैं क्या कहूँ, बस कहना कुछ गौरव नहीं होता है साहब। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जाफरा की धरती है, और जाफरा की धरती खेसारी लाल यादव के अभिनंदन में क्या तैयारी की है कि सकार शाम कलंदर इमाम क्या क्या है, सकार शाम कलंदर इमाम क्या क्या है, तेरे शहर में मुंबई से खेसारी लाल आया है, बता इंतजाम क्या क्या है। और जब ये खेसारी लाल यादव इस मंच पर आते हैं तो मेरे अंतर्मन से चंद पंक्तियां निकलती है कि खिला है कोई गुलशन तो गुलजार होना चाहिए, खिला है कोई गुलशन तो गुलजार होना चाहिए, आया था कभी पतझर तो बहार आना चाहिए। और बड़े प्यार से बुलाए हैं आप अपने चहेते खेसारी लाल जैसे कलाकार को, तो जोरदार ताली से सत्कार होना चाहिए, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए भैया खेसारी लाल यादव। पब्लिक के भी कैसे लागत था, नमाज अपना घर में आ गई बनी, और सारा जी भी और सब आशीर्वाद देवी थी। लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है, प्यारी का पहना फकीर खिले वक्त लगता है। आज आप सबसे सारी को इतनी मोहब्बत करते हैं, लभी आप और इस मिट्टी को सलाम करता हूँ जिस मिट्टी ने खेसारी लाल यादव को चलना सिखाया। आज इसी मिट्टी ने खेसारी को इतना बड़ा मुकाम दे दिया, इतनी बड़ी नाम, इतनी बड़ी शोहरत, इतना सारा दिल में रहने वाला एक खेसारी को घर रखने वाला। आज हम लोगों ने इतना बड़ा सम्मान दिया, और आज इस जगह पे जफरा गांव का एक मेरा भाई जो कि मेरे दिल में रहता है, मेरे दिल में नहीं मेरे पूरे घर में रहता है, जिसका नाम पंकज लाल यादव, मेरी माँ भी इसको अपने बेटे से कम नहीं मानती है। ये कहीं भी रहता है, दुख हो सुख हो हमेशा मेरे साथ रहता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि पंकज आज इसकी वजह से मैं आज आप सबसे मिल सका, क्योंकि मेरी शूटिंग चल रही है संघर्ष पे लेके। मैं हैदराबाद से डायरेक्ट आप सबकी मोहब्बत के लिए, क्योंकि इस गांव से एक पुराना रिश्ता है और जहाँ मेरा भाई रहता है, एक अद्भुत रिश्ते के लिए आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। एक केहू के लाठी मत पर जाए जग दे भाई। हाँ हाँ, देखिए आप लोग खेसारी से मोहब्बत करते हैं, एक बार बैठ कर दिखा दीजिए, अगर मोहब्बत करते हैं खेसरिया से इस अपने भाई के लिए बैठ कर दिखा दीजिए, प्लीज बैठ जाइए, ताकि लाठी डंडा ना चलाना पड़े, ये आसानी से सारा चीज देखा है। और हमारे आई मैं निकाय करती सारे लोग उठा देना, तो बस प्यार से बैठ जी बोले, कहीं लाठी डंडा चलावे के ना पड़े, केहू लाठी डंडा मत चलाई केहू भाई पर, अगर वो लोग नोल की लाठी चलाए तो समझे कि खेसरिया के लागत है। इनका आशीर्वाद और प्यार ही खेसारी को इतना बड़ा बनाया है, जिसके लिए आज लाखों भीड़ हो गई।
तो प्लीज आप लोग आराम से बैठ जाएंगे तो शायद ही कार्यक्रम अच्छा से हो पाएगा। ये कार्यकर्ताओं भाई है जितने फोटो खींचे वाला बाद में खींचिए लोग हरे बिट्टी को खा लेखा लेता है बाद में फोटो खींचा पहले काम को ध्यान दे बोले तो फोटो खींचा सर अरे आलम राज राजू रसिया शंभू बाबा टंटन बाबा मानी हमारे म्यूजिशियन मेरे जी के भाई बाबा गोपालगंज बहुत घूमते हैं अपनी बहन के ऊपर सिटी बार गाना कबर बजा रहे हैं बताओ यार सॉन्ग सिंग बोलो भैया नमस्ते नमस्ते भैया बताइए ओह खाली पाल हर भैया क्या बात बहन हम हतरों से पहले हम